हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, आज हम केआरके का ट्वीट्स जो है ना, उस पर थोड़ा सा नजर गया मेरे को, जब उन्होंने एक अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जो पिक्चर है, जो मोहरा मूवी का शायद है, टिप टिप बरसा पानी, तो वो कुछ लाइन उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, खैर वो लाइन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो लाइन बहुत बोलते हैं ना, वो अलग किस्म का है। मतलब कि आपको पढ़ने के बाद ना अपने आप में एक शर्म महसूस होगा। खैर जो भी हो, लेकिन केआरके अंकल अब स्टार्ट हो चुके हैं। उन्होंने बच्चन पांडे का रिव्यू किया, तो उसमें उन्होंने जम के तारीफों का पुल बांधा। मतलब कि बॉलीवुड को इस तरह से वो पहले है कि इस तरीके से कोई पहलता ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर में रिव्यू दिया। मतलब कि क्या क्या नहीं उन्होंने अरशद वारसी के बारे में बोल दिया, कीर्ति सेनन के बारे में बोल दिया, पंकज त्रिपाठी के बारे में बोल दिया। वैसे तो अक्षय कुमार को वो थोड़ी सी तारीफ किए उनके लुक्स के बारे में, और उनको तारीफ करना ही था, क्योंकि जो अक्षय कुमार का लुक था ना भाई, वो दमदार है। अगर उस पर भी वो तारीफ नहीं करते ना, तो जाहिर सी बात है कि आरके अंकल के ऊपर सवाल उठता, ये बंदा यार इतना अच्छे लुक को भी तारीफ नहीं करता। बाकी का स्टोरी का जिससे भी वो कीर्ति सेनन और अरशद वारसी जो ट्रेन से चलते हैं और जो जाते हैं बच्चन पांडे पर स्टोरी बनाने, फिल्म बनाने, उसमें उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी कॉमेंट किया। उन्होंने यह जो न्यूज़ है अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बारे में, उसके बारे में भी बहुत गंदा ही बोल सकता हूँ दोस्तों। खैर केआरके अंकल का तो यही काम है, मतलब कि नेगेटिविटी फैलाना, खासकर बॉलीवुड के लिए, और खासकर बड़े सुपरस्टार जैसे कि हमारे अक्षय कुमार, सलमान खान, ये दोनों दो स्टार के पीछे, मतलब कि वो ना जो बोलते हैं ना, हाथ धो के तो छोड़ो, वो नहा धो के ही पीछे पड़े रहते हैं, इस तरीके से वो पड़े रहते हैं नहा धो के। खैर जो भी हो दोस्तों, केआरके अंकल के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा मैं उनको, कि आप लंबे उम्र तक जियो, हमारी दुआ रहेगा कि आप ऐसे ही काम करते रहो, आप आगे बढ़ो। लेकिन नेगेटिविटी करके आगे बढ़ना, जो नेगेटिविटी करके जो लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो लोग कामयाब तो जरूर होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो होती है, उनकी लाइफ कुछ ज़्यादा दिन नहीं होता। नेगेटिव ही क्या, अब पॉजिटिव जो लाइफ होता है, पॉजिटिव की लाइफ वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसको आगे बढ़ने में वक्त लगता है। इसलिए बोलता हूँ मैं, सच्चाई से आगे बढ़ो, ना कि किसी की बुराई करके। तो बस भाई, इतनी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।